हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम अगेन टू द चैनल वी डिजाइंस। सो जब आप इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी इमेजेस देखते हो अच्छे अच्छे बैकग्राउंड में, तो क्या आपका भी मन करता है वहां जाके शूट करने के लिए? बट अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने घर बैठ के ही उस लोकेशन पे पहुंच के वो शूट कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे बैठ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे शूट कैसे कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बस आप अपने 5 मिनट निकाल के उन लोकेशंस पे पहुंच के शूट भी कर सकते हो और वो फोटोज अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। हैरानी हुई है जानकर? तो अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि भाई हम घर पे बैठ के ये सब कैसे कर सकते हैं। तो परेशान मत होइए, फोटोशॉप नाम के प्राणी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिससे आप बस 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो विद इन 2 मिनट्स इन फोटोशॉप। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो अभी हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस फोटो का हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने फोटोशॉप में मैंने ये इमेज ली हुई है, आप कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हो। और जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, आपको यहाँ से थर्ड या फोर्थ नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, आपको क्विक सिलेक्शन पे क्लिक करना है और हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे आपकी जो लेयर है, जहाँ अभी मेरा माउस का कर्सर है, इस लेयर पे आपको हमेशा क्लिक करके रखना है। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, यहाँ पे आप ऊपर देखिए, पहले के टाइम पे जो फोटोशॉप होता था वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता था, हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी। बट आज के दिन में फोटोशॉप में 90% चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, हमें इस सब्जेक्ट सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ी सी लोडिंग होगी और उसके बाद फोटोशॉप अपने आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि इमेज के बाहर रनिंग लाइंस बन गई हैं। फोटोशॉप में इन रनिंग लाइंस का मतलब होता है कि वो सिलेक्शन आपका बन गया है। ठीक है, अभी आपका सिलेक्शन बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे हम फोटोशॉप में यूज़ करते हैं एक नई लेयर बनाने के लिए, यानी हमारा जो सिलेक्शन हुआ था उसकी हमने एक न्यू लेयर बना दी और वो न्यू लेयर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, लेयर ज़ीरो जो अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर थी और लेयर वन जो अपन ने सिलेक्शन बनाया। जब हम इस बैकग्राउंड लेयर को बंद करेंगे तो हम हमारा सिलेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो ये सिलेक्शन हमने बनाया हुआ है। ठीक है, फोटोशॉप में जहाँ पे आप ये वाइट और ग्रे बॉक्सेस देख रहे हैं, इनका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, मींस यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। लाइक बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड में एक इमेज थी, ठीक है, हमने उसको बंद कर दिया और अपने सिलेक्शन को बना लिया, मींस इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये सिलेक्शन है अभी। ठीक है, इसके अलावा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, आप ट्रांसपेरेंट जगह पे कुछ भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो चीज़ आपको दिख। हमने एक बैकग्राउंड यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है लाइक दिस। हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर को जस्ट उठाएंगे यहाँ से और अपने यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो अभी हम देख पा रहे हैं कि हमने हमारी इमेज को इंपोर्ट कर लिया है, बट अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी जो सब्जेक्ट है वो इस लेयर के पीछे है। आप यहाँ देख पाएंगे ये जो लेयर है जिसमें हमारा बैकग्राउंड है वो सब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, तो फोटोशॉप में जब कोई लेयर आप किसी चीज़ के ऊपर रख देते हैं तो बैकग्राउंड लेयर नहीं दिखती। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा सब्जेक्ट साफ जो है वो दिख पा रहा है। ठीक है, बट अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अभी आपने कहा कि अगर कोई लेयर ऊपर है तो वो दिख नहीं पाएगी। वो इसलिए क्योंकि इस लेयर में सिर्फ हमारा सब्जेक्ट है और पीछे की जो भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था कि वो सारी ट्रांसपेरेंट हैं, तो इस वजह से हम लोग जो सब्जेक्ट को देख पा रहे हैं और पीछे का जितना भी एरिया वो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें हमारा बैकग्राउंड अभी लोड हो गया है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि हेयर्स जो हैं वो परफेक्टली सेलेक्ट नहीं हुए हैं, थोड़ा थोड़ा इमेज में फ़र्क दिख रहा है, एडिटेड दिख रही है। सो हेयर्स का किस टाइप से सिलेक्शन करना है, एक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपरली आप हेयर्स को सेलेक्ट किस तरीके से कर सकते हो। बट ये वीडियो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए थी, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा। साथ ही में मैंने आपको एक कलर ग्रेडिंग वाली वीडियो में बताया था आपको कैमरा रो फिल्टर का यूज़ करना, तो आप वो यूज़ करके यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को बैकग्राउंड के साथ मैच कर सकते हैं। किस टाइप से, आप कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे, ये इसका शॉर्टकट है कैमरा रो फिल्टर का। कैमरा रो फिल्टर जब ओपन हो जाए तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लाइट है।
तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क है, तो हम इस इमेज का थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, शेडोज़ को थोड़ा सा कम करेंगे, वाइट को थोड़ा सा, ब्लैक को कम कर देंगे, ठीक है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बस ओके प्रेस करना है, ठीक है। अभी ये जो इमेज है ये काफ़ी हद तक बैकग्राउंड में मैच हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर पे बैठना है, फोटोशॉप खोलना है और विद इन 5 मिनट आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अभी आप ये इमेज देख सकते हैं, ठीक है, इससे जो पहले वाली इमेज थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और अभी आप ये इमेज देखिए, दोनों का बैकग्राउंड परफेक्टली चेंज हो चुका है, बस कुछ डिफरेंस इसके हेयर्स में रहेगा, हेयर्स को कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो हैव यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, और हमें बताइए अगर आपके कोई सजेशंस हैं, साथ ही में अगर इस टाइप के और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स आपको देखने हैं तो भी कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए ख़त्म करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।